प्रदेश की मनोहर सरकार को 4 साल पूरे हो चुके हैं और 5वें साल में सरकार ने प्रवेश कर लिया है और मुख्यमंत्री हरियाणा 4 साल के कार्यों का गुणगान और 5वें साल में होने वाले विकास कार्यों के बारे में बताने में लगे हुए हैं। इसी के मद्देनजर आज मुख्यमंत्री करनाल में मीडिया से रूबरू हुए और सरकार के कार्यों का विश्लेषण किया। हरियाणा में प्रधानमंत्री के दौरे की जानकारी दी और कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा प्रदेशवासियों को एक बड़ी सौगात भी दी जाएगी। वहीं मुख्यमंत्री खट्टर ने इनेलो व कांग्रेस पर चुटकी ली और कहा कि बोले इनेलो और कांग्रेस आज दोनों बराबर हैं। करनाल से मेनपाल की रिपोर्ट। नवंबर को देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हरियाणा में एक बार अपना कार्यक्रम उनका फिर से है और इस कार्यक्रम में हरियाणा का एक बड़ा प्रोजेक्ट जिसके ऊपर नज़रें पूरे देश के लोगों की रही हैं, क्योंकि दिल्ली के चारों तरफ ये जो दो मार्ग हैं KGP और KMP ये कंप्लीट हो जाए तो उसके कारण से उत्तर भारत को तो विशेष लाभ है ही है, दिल्ली को अपने आप में बहुत बड़ा लाभ उसका होगा। तो 19 तारीख को KMP का उद्घाटन वो करेंगे और उसके साथ जो दुधौला में पलवल में स्किल डेवलपमेंट की जो हमारी यूनिवर्सिटी बन रही है उसका शिलान्यास होगा, बल्लभगढ़ तक की जो मेट्रो लाइन का विस्तार हुआ है उसका उद्घाटन होगा। इसके अतिरिक्त भी हमने कुछ प्रोजेक्ट्स उनको निवेदन कर रखे हैं, लेकिन अभी विभागों से क्लियरेंस जो केंद्र सरकार के विभाग होते हैं वो क्लियर करते हैं, उनकी क्लियरेंस के बाद ही उसमें से पता लगेगा और कौन कौन से विभाग का शिलान्यास और उद्घाटन होगा। उनके आगमन पर KMP का जो फरुखनगर क्रॉसिंग है वहाँ पर एक बड़ी रैली इसका आयोजन होगा, लगभग 1 लाख की संख्या उस रैली में होने वाली है। मुख्य रूप से दक्षिण हरियाणा, मध्य हरियाणा, उनके जो हमारे कार्यकर्ता, हमारे प्रशंसक, हमारे समर्थक वो वहाँ आएंगे। हरियाणा में हमारा शासन के 4 साल पूरे हुए, अभी 5वां वर्ष जब से शुरू हो गया है, तो जैसा एक लोकतंत्र व्यवस्था रहती है, जब आखिरी वर्ष होता तो एक प्रकार का वो चुनाव की तैयारी के नाते से उस वर्ष की गणना होती है। हम लोगों ने चाहे लोकसभा के चुनाव हों, चाहे विधानसभा के चुनाव हों, और करनाल के लिए तो नगर निगम के चुनाव की जैसे तैयारी हम कर रहे हैं, तो वो भी बहुत जल्दी नगर निगम का चुनाव भी होने वाला है। 5 नगर निगम चुनाव के लिए तैयार हैं, जिसमें हिसार, रोहतक, पानीपत, करनाल और यमुनानगर, तो इन सब जगह पर भी बहुत निकट भविष्य में कभी भी चुनाव आयोग द्वारा घोषित हो सकते हैं। इनकी तैयारियों के लिए ही आज हमने एक मीटिंग भी की है। चुनाव की तैयारी के साथ साथ क्योंकि देशभर में जैसे स्वच्छता अभियान चल रहा है, हरियाणा भी स्वच्छता अभियान के अंतर्गत अपनी भूमिका खूब अच्छे प्रकार से निभा रहा है। ODF हरियाणा का ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्क्षेत्र ये दोनों हो चुके हैं, हम अब ODF प्लस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हमको एक बात आप सब लोगों से साझा करते हुए खुशी हो रही है कि पिछला जो स्वच्छता अभियान में ग्रामीण क्षेत्र का जो सर्वेक्षण हुआ है उसमें हरियाणा को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, लेकिन और हम आगे बढ़ें इस नाते से खास करके शहरों की जो हमारी रैंकिंग है, जो पिछले रैंकिंग में करनाल हरियाणा का सबसे पहला शहर रहा है, देश भर की रैंकिंग में इसका हमारा 40 या 42वां स्थान था, हम चाहते हैं कि करनाल 10 स्थानों के अंतर्गत पहले 10 स्थानों में आ जाए। इसी प्रकार दूसरा स्थान हरियाणा का रोहतक का था, उसको भी हम और उसकी रैंकिंग को बढ़ाना चाहते हैं, उसकी भी चर्चा आज हमने की है। और उस चर्चा में एक बात जो आज हमने कार्यक्रम तय किया है कि जनता में एक अवेयरनेस, एक जागरूकता पैदा करने के लिए आने वाला जो गुरुपर्व दिवस है, उस गुरुपर्व के दिवस की पूर्व संध्या यानी 22 तारीख को सायंकाल एक बड़ा कार्यक्रम करनाल में आयोजित किया जा रहा है। 11,000 स्वच्छता दीप ये उस दिन जला करके और करनाल की जनता को जागरूक किया जाए। योजना में 20 वार्डों में 20 विद्यालय, हर वार्ड में एक विद्यालय, ये तय किया है कि वहाँ के जो विद्यालयीन छात्र छात्राएं हैं और उनके जो पेरेंट्स हैं और फिर हमारे जो समर्थक लोग हैं
वो सब मिलकर के सायंकाल 4 बजे से लेकर 7 बजे तक वहाँ कार्यक्रम करेंगे। लोकल एक वार्ड में रैली निकालेंगे, स्वच्छता रैली, और उसके बाद वहाँ अपने अपने विद्यालय में वहाँ की संख्या के हिसाब से बड़ी संख्या में दीप प्रज्वलित करेंगे और महापुरुषों के जीवनी पर चर्चा होगी। गुरुपुरु के अवसर पर जिन महापुरुषों को याद किया जाना चाहिए उनको ही करेंगे। स्वच्छता अभियान पर भी चर्चा होगी। एक इस प्रकार का अभियान 22 नवंबर को होगा, 23 नवंबर को गुरुपर्व है। इन चर्चाओं को आज हमने किया है, वो विषय आपके सामने मैंने रखना था। मुख्यमंत्री जी, आज सुबह एक एकड़ किसान का दौरा भी किया आपने, क्या खामियां क्या कमियां नजर आई? देखिए, आज मैं प्रातःकाल पानीपत में भी शहर में निकला था और करनाल में भी निकला था। खास तौर पर जो स्वच्छता की दृष्टि से जहाँ जहाँ हमको ध्यान में आया कि ये विषय अधिकारियों को ध्यान करा देने चाहिए, डिप्टी कमिश्नर भी मेरे साथ थे और कमिश्नर कॉर्पोरेशन भी मेरे साथ थे, तो जहाँ कहीं इस प्रकार के दृश्य थे जिस पर सफाई के नाते से और ध्यान देना आवश्यक है वो उनको ध्यान कराया है। खासतौर पर यहाँ जैसे अभियान में ये विषय लिया गया कि हम डस्टबिन फ्री करेंगे करनाल में। डस्टबिन फ्री करना तो अच्छी बात है, लेकिन डस्टबिन फ्री करने के साथ साथ अगर डस्टबिनों के अभाव में वो कूड़ा बाहर सड़कों पर या कहीं कोने पर पड़ा दिखाई देता तो अच्छी बात नहीं है। तो हमने सुझाव दिया उनको कि डस्टबिन फ्री तभी करें जब वो कूड़ा घर घर से उठाने की व्यवस्था ये पूरी हो जाए और पूरा सिस्टम एक एक्टिव हो जाए कि घर घर से कूड़ा उठा करके हम बाहर सीधा ले जाएंगे, तब डस्टबिन फ्री करेंगे। अन्यथा केवल डस्टबिन फ्री करने का नारा ये उचित नहीं है। तो आज मैंने उनको 8-9 स्थानों का स्पॉट्स हमने दिखाए हैं कि वो सारे स्पॉट्स ठीक होने चाहिए, और साथ में हमने अपने पार्टी के लोगों को भी ये आह्वान किया है कि इसमें